नमस्कार मैं शशि आपको दिखाना चाहूँगा आपने नो तोड़ वाले खेत में जो सरसों की जो फसल लगाई है वो बहुत ही अच्छी लगी हुई है इस समय तक आपको दिखाता हूँ ये सारा खेत यहाँ यहाँ तक कैमरे का फोकस जाएगा जो जो दिखाऊँगा सब सरसों है और हाइब्रिड बढ़िया क्वालिटी की सरसों लगी हुई है मैं आपको इस एक टहनी दिखाता हूँ इसमें आपको दिस वन ये ये सरसों का फूल है ये इसके नीचे टहनी है जो कि अच्छी मज़बूत और मोटी है जैसे मैं दिखाता हूँ ये हाथ लगाकर आपको ये देखिए तो ये है सरसों के खेत लहराते हुए अभी 10-15 दिन में इसको फूल आएंगे फूल आने के बाद आपको ये पूरा खेत जो है वो हरा भरा पीले पीले फूलों से एकदम शिंगार किया हुआ लगेगा ये आगे की साइट है ये देखिए दूसरे खेत की सरसों का नज़ारा बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से तैयार हुई फसल ये। दीदी कहते हैं कि मुझे सरसों का साग खाना है सरसों का साग खाना है तो आज दीदी के लिए इसी अच्छी सरसों का साग लेकर जाऊंगा जो कि ये रास्ता है दूसरे खेत की तरफ बढ़ रहा हूं अभी जी आगे हम दूसरे खेत में उसी प्रकार से बढ़िया सरसों का नज़ारा देखने को मिलता हुआ ये है सरसों के फूल आप सोचते होंगे कि मैं मौन क्यों हो गया मैं दूसरे खेत की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर ये ये सब खेत सरसों से भरे हुए ये सब खेत देखिए तोड़ वाले खेत के सरसों का नज़ारा मम्मी कहती थी मुझे कि सरसों कहीं कम लगी है कहीं ज़्यादा लगी है लेकिन अभी इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सरसों जो है वो बहुत अच्छी लगी है धन्यवाद कैमरामैन सेठू के साथ शशि फ्रॉम नोतोड़